अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई चैनल मिस्टर एंड मिसेस खान। आज मैं आपको अपने हॉबीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो मेरी हॉबीज़ है गार्डनिंग और मुझे प्लांट्स लगाना काफ़ी पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास हर तरह के प्लांट्स के कलेक्शन हो। इसके लिए मैं कहीं भी जाती हूँ, जैसे नर्सरी या अपने फ्रेंड्स के यहाँ जो प्लांट्स मेरे पास नहीं है, और वहाँ मुझे कुछ ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं है तो मैं उसे ख़रीद लेती हूँ या फिर उसे उसकी कटिंग ले लेती हूँ और मैं उसे घर पे कटिंग से ही ग्रो करती हूँ। एक्चुअली मैं लगभग सभी प्लांट्स को कटिंग से ही ग्रो किया जाता है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए कि कौन से प्लांट्स को कब लगाएं, कौन से सीज़न में लगाएं कि वो अच्छे से ग्रो हो जाए। लेकिन मुझे कटिंग से ग्रो करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, मैं बहुत आसान तरीके से कटिंग को ग्रो कर लेती हूँ। तो आप जो ये देख रहे हैं, इन सभी प्लांट्स को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है और कुछ प्लांट्स को नर्सरी से ख़रीदा है। एक्चुअली में प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा शो प्लांट। तो शो प्लांट्स में फ्लावर नहीं होता है, इनकी खूबसूरती इनके लीव्स में ही होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो भी यहाँ पे लगाया है ये सारे शो प्लांट्स हैं और इनके लीव्स कितने खूबसूरत हैं। तो आज मैं आपको सभी प्लांट्स के नाम के साथ इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। तो ये देखिए, फर्स्ट पे जो हमारा ये जो वाइट कलर का हार्ट शेप में है इसे सिंगोनियम कहते हैं। इसके बगल में रेड कलर का शेड है ग्रीन पे, इसे हम क्लेडियम कहेंगे। क्लेडियम के दो वेराइटीज़ हैं, और ये क्रोटोन है, इसमें येल्लो कलर का डॉट्स है, ये क्रोटोन है इसके बगल में। और ये जो लंबा सा प्लांट्स है, इसके पतले लंबे लीव्स हैं रेड कलर के, इसे ड्रेसिना कहते हैं। ये ड्रेसिना है और इसके भी मेरे पास दो तीन वेराइटीज़ है। और ये जो घना घना सा दिख रहा है, इसके लीव्स मैरून कलर के हैं और एक ग्रीन पे मैरून कलर है, इसे कोलियस, ये कोलियस का प्लांट्स है। और इसके बगल में ये मनी प्लांट्स है और ये एरिका पाम है। तो इस तरह के मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो दिख नहीं पा रहे हैं, जैसे डैंथेमम पीछे रखे हैं, वो डेफिनबेकिया है। और ये देखिए, मैंने डब्बे में कुछ प्लांट्स, मॉसरोज है, ये मॉसरोज है, इसके मेरे पास दो तीन वेराइटीज़ है, एक लाइट पिंक है, डार्क पिंक और वाइट कलर का है। और ये बहुत ही प्यारा लगता है मॉर्निंग के समय में, इसके फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये जो बेल दिख रहा है आपको, ये अपराजिता की बेल है और इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत बैंगनी कलर के होते हैं जो दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब छत पे चलते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ये बच्चे खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। और ये देखिए, हमारे छत से पूरा शहर दिखता है और मैंने छत पे भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। तो मैं इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने जो जो प्लांट्स छत पे लगाया है, तो मैं बारी बारी से इन सभी का नाम सिर्फ बता दूंगी। ये देखिए, ये कनेर, इग्जोरा, जैस्मीन और ये फोरबिया मिली, इसके दो वेराइटीज़ हैं। ये रोज़ प्लांट है और इसके काफ़ी सारे वेराइटीज़ मेरे पास हैं, कुछ देसी रोज़ हैं और कुछ इंग्लिश रोज़ हैं। इंग्लिश रोज़ में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, इंग्लिश रोज़ के मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं। तो जब मैं छत पे आती हूँ और अपने गार्डन को देखती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। आई होप कि आपको हमारा गार्डन ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।